नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल फैमिली गुरु में और मैं हूं नंदिनी जैन। गर्मियों के बाद बारिश का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। ठंडी हवाएं, पानी की बौछारें और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू से दिन बन जाता है, लेकिन बरसात का मौसम अपने साथ कई सारी बीमारियों को भी लेकर आता है। बारिश में होने वाली उमस, बरसाती पानी और पसीने से त्वचा पर खुजली जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है। बरसात के मौसम में इस समस्या से निजात पाने के लिए लोग तरह तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्किन पर होने वाली खुजली की समस्याओं से राहत पाने के लिए कुछ घरेलू उपायों की मदद भी ली जा सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ नेचुरल नुस्खे के बारे में। सबसे पहले बेकिंग सोडा और नींबू। मॉनसून में स्किन पर खुजली जैसी समस्या से निजात पाने के लिए नहाते वक्त एक छोटे से बर्तन में 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून नींबू पानी डालकर उसका मिश्रण तैयार कर ले। अब इस पेस्ट को अपनी त्वचा पर अच्छी तरह से लगाए और 5 से 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दे। इसके बाद अपनी स्किन को धो ले। इस प्रक्रिया को दिन में एक बार जरूर करना चाहिए। आपको जल्द खुजली से आराम मिलेगा। दूसरे नंबर पर आता है चंदन का लेप। हमारी त्वचा पर चंदन का इस्तेमाल काफी लाभदायक माना जाता है। अगर आपको मानसून सीजन में खुजली की समस्या हो गई है तो चंदन का लेप लगाने से जल्द ही राहत मिल सकती है। चंदन का लेप इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको चंदन पाउडर में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाना है और इसे अच्छे से मिलाकर लेप बनाना है। अब इस लेप को खुजली होने वाली जगह पर लगाना है। लेप के सूखने के बाद इसे ठंडे पानी से साफ कर लेना है। चंदन का लेप नियमित इस्तेमाल करने से जल्द ही खुजली से आपको राहत मिल जाएगी। अगर आपको भी बारिश में खुजली की समस्या है तो आप भी इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। और ऐसी ही टिप्स और रेमेडीज के लिए बने रहे हमारे चैनल फैमिली गुरु के साथ। धन्यवाद।